अच्छा जी, अब हम इससे थोड़ा से अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं। और जो मैंने आपको कहा था कि लाइफस्टाइल चेंज का बहुत बड़ा चंक जो है दैट इज रिलेटेड टू बिहेवियर। बिहेवियर की चेंज आपके अंदर कैसी होनी चाहिए, तो उसमें सीबीटी बहुत पढ़ाते हैं, डॉक्टर। सीबीटी स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। बेसिकली ये माइंड गेम है, यानी जैसी आपकी थॉट्स होंगी वैसी आपकी फीलिंग्स होंगी और उसके अकॉर्डिंगली आपके एक्शंस होंगे, बिहेवियर्स होंगे। जब हम लाइफस्टाइल चेंज की बात करते हैं तो बेसिकली हम एक्शंस को फोकस करते रहते हैं, हम उसके पीछे जो थॉट है जो फीलिंग्स हैं उसको एड्रेस नहीं करते। किसी का दुख ये है कि हलवा नहीं छोड़ा जाता, अब वो थॉट में पहले छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को उसको थॉट में डिटैच करना पड़ेगा। यानी जब मैंने बहुत कुछ पढ़ा, अभी मैं आपको इंशाल्लाह आगे उसके तरीके बताऊंगी, अब मेरे दिमाग में जब हलवा आता है ना तो पहले क्या आता था, मजा आता था, जिसे कहते हैं ना जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, वो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आता था। लेकिन अब जब से आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई थॉट्स, तो हलवे के साथ ही एक पूरा जार आता है चीनी का और उसके साथ फॉरन एक बिल बोर्ड आता है क्रॉनिक डिजीज, और फिर आता है एक और बिल बोर्ड या फ्लैशी साइन के आपकी जिंदगी खराब होने वाली है और आपसे बहुत सारे काम जो आप इंजॉय करती हैं, जो आपको डोपामिन देता है, जो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। यू वोंट बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ, जिस तरह आपको अभी बहुत एनरिच्ड फीलिंग होती है। तो फिर वो हलवा खाने को उतना दिल नहीं चाहता, फिर इंसान अपने आप को रोक लेता है। इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी आप कर रही हैं, अपने आप को पुश कर करके वॉक पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन थॉट में क्या है कि या अल्लाह मैं लेट लेती, मैं सुबह से थकी हुई हूँ, इतने काम किए हैं और हिम्मत नहीं है, और वो बेनिफिट्स नहीं उसके नज़र आ रहे, तो ना वो आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे और अल्टीमेटली वो एक्शन जल्दी फिजल आउट हो जाएगा। हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम अपनी थॉट्स को कैसे लेके चलें। रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल चेंज, ये याद रखिएगा कि एनवायरमेंट जो होती है ना, लोग इर्द गिर्द, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वहां पे हमें खुशबुएं भी आ रही हैं, पकवान भी बन रहे हैं, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, हमें बेसिकली अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है। अब मैं अभी रिसेंटली गुजरी हूँ ना उस थॉट प्रोसेस से स्लीप डिस्ट्रक्टिव के बाद, तो उसके बाद में जब भी मुझे कोई चीज खाने की अर्ज होती है तो मैं फिर यही सोचती हूँ अपने आपको कि भाई तुम इतने ऐसे गुजरी हो सब चीजों से किस लिए, अगर तुमने यही खाना था यही करना था तो फिर वेट लूज किया, तो अब मुझे बिल्कुल आपकी तरह हलवा या कोई ऐसी चीज जो मुझे पहले बहुत मेरी डिजायरेबल चीज हुआ करती थी, लेकिन अब वो आता है साथ ही मुझे मोटापा ओबेसिटी और वो सब, तो वो मेरी डिजायर खत्म हो जाती है। दूसरा ये कि जब हमारी अपनी थॉट होती है ना तो फिर एनवायरनमेंट भी हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मसलन जो पुराने मेरे साथी हैं उन सबको पता है कि मेरा ये अनाउंस्ड वो है हरबा कि मुझे मीठा पसंद है, तो फिर मुझे फोन आता है, मैंने हलवा बनाया है, मैंने ट्राइफल बनाया है, मैंने केक बनाया है, आ जाएं। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई मुझे मीटिंग के लिए भी बुलाए, ये अभी भी होता है लेकिन नाउ आई वर्क ऑन माई थॉट्स, तो मैं मीटिंग के बारे में कम सोच रही होती हूँ, मैं ये सोच रही होती हूँ कि जो वो ट्रॉली आएगी उसमें मीठा क्या होगा, उसमें मीठा क्या होगा, नमकीन क्या होगा, और मुझे बहुत मजा आएगा और मैं उस कंपनी को भी इंजॉय करूंगी और मैं खाने को भी इंजॉय करूंगी। अब वो जब थॉट ऑलरेडी है और जैसे ही वो ट्रॉली सामने आती है लगता है कि कभी मैंने ऐसा खाना नहीं खाया, और फिर आप बड़े बहुत शौक से उसको खाते हैं, आप ओवर ईट भी कर जाते हैं ना। लेकिन जब आप अपने आप को पहले से बता देते हैं कि नहीं वो खाना पीना जो है दैट इज नॉट नेसेसरी, या ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं खाऊंगी लेकिन मैं कैलकुलेटेड लूंगी, इस वक्त मुझे भूख है नहीं है, कितना मैंने खाना है, अपने आप को रोक के रखना है और आपे से बाहर नहीं होना, इससे बाद में मैं रिग्रेट करूंगी, तो आप उसको कैलकुलेट करके उस एरिया में जाते हैं। तो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग, सोने के मामले में भी, कि आजकल कौन जल्दी सोता है और सब जाग रहे होते हैं, स्पेशली ये हमारे यूथ का बहुत बड़ा चैलेंज है ना, कि वो हर बात पे कहते हैं कि जी पढ़ाई तो रात को ही होती है। अब अगर आपके थॉट प्रोसेस में ये है, हालांकि साइंसेस इसके अगेंस्ट बात करते हैं, वो कहते साइंसेस कहती हैं कि नहीं आपकी वो मेमोरी स्टोरेज में नहीं आ सकता, कैसे आपने ये सारा कुछ सोच लिया। तो आप देखें जैसे सूरह अल आराफ की आयत नंबर 31 में अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, कि अपनी जीनत को इख्तियार करो मस्जिद के पास। यानी हमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है, अगर हम देखें हमारा जो एक लाइफस्टाइल है वो कहाँ पे होना चाहिए, इबादत के लिए। अच्छा, अब आप देखें
हमारा एक उल्टा है पर्सपेक्टिव, वही बात है कि अगर हम दीनदार हो गए हैं तो फिर हम फैलना शुरू हो जाते हैं, हम कहते हैं अब तो मैंने अबाया पहन लिया, स्कार्फ पहन लिया, तो अब मुझे वो बात है कोई अट्रैक्टिव लगने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली हमने लोगों को या नॉन महरम को अट्रैक्ट तो नहीं करना, लेकिन द पॉइंट इज फिट तो रहना है ना, इबादत करनी है, बल्कि अपने जिस्म का हक अदा करना है, इससे हमारे से सवाल पूछा जाएगा। अब अगर आप ये लाइफस्टाइल मेडिसिन को पढ़ते हैं या लाइफस्टाइल चेंज की बात करते हैं, इट इज गोइंग बैक टू सेम, हमारे जो एनर्जी क्राइसिस है और बाकी चीजें हैं हमारे पास। अब आप देखें इसमें भी यही है ना, अगर फर्ज करें हमने मसलन दोपहर को खाने में सिर्फ सलाद काट के खा लिया, फल खा लिया, तो क्या होगा, गैस बच जाएगी ना। ये जो हम सारा दिन बैठ के रोना रोते हैं, गैस आ रही है, आपकी कितनी गैस आ रही है, आपकी कितनी गैस है, और वो जो खा रहे हैं उसकी जो गैसें निकल रही हैं, वो हमें समझ नहीं आ रही। एक्चुअली जितना मीट आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, यू आर एडिंग टू द कार्बन फुटप्रिंट, आप उतना क्लाइमेट खराब कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाहर तो कितने बच्चों ने बिल्कुल छोड़ दिया ना, ये हो जाते हैं। बट द पॉइंट इज कि सिंपल लाइफस्टाइल जो है ये बहुत जरूरी है। जीनत को इख्तियार करना है दीन की खातिर, हम जो लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं दीन की खातिर, दुनिया की खातिर नहीं, क्योंकि वही बात है, हम अल्लाह ताला को अकाउंटेबल हैं। और फिर आगे क्या कहा गया, वकुलू वश्रबू, खाओ और पियो। अब इसमें ये भी नहीं किया गया, मतलब लाइफस्टाइल चेंज को पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि अब आप कुछ भी नहीं खा सकते, कैलकुलेटेड चॉइसेस होनी चाहिए, और कंफर्ट के लेवल पे थोड़ा थोड़ा अगर आप खाते हैं, इसराफ के साथ आप नहीं करते तो इट्स ओके, यू आर गुड टू गो। हर चीज में बैलेंस लेकर आना है। आप देखें क्योंकि हमारा माइंड सेट हुआ हुआ है ये जो डाइट प्लान्स हैं उनके हिसाब से, तो वो जो डाइट प्लान्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, ऑल और नन। तो जब उन्होंने हमें ये सिखाया, तो जब मैं आपको लाइफस्टाइल चेंज के बारे में बता रही हूँ, तो आपका दिमाग उसी तरह चल रहा है। पोर्शन कंट्रोल आपका जो है ना वो बहुत जरूरी है। हम एक तो इतनी बड़ी प्लेट ले लेते हैं, जब आपको वो तरीके भी बताते हैं ना, वो कहते हैं कि छोटे के अंदर आप छोटी प्लेट में डालें, और वो जो एक हमारा तरीका है ना, बहुत तेज हम खा रहे हैं, स्लो खाएं, तो हमें जो बार बार कहा गया ना चबा के खाएं, तो आप वो भी देखें कि अगर आप बहुत आराम आराम से उसको चबा के खाते हैं, तो आप बहुत थोड़ी चीज से आपका पेट भर जाए। बिल्कुल, इस आयत में क्या रहा, वला तुसरिफू, इसराफ ना करो। और फिर क्या कहा गया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। और मैंने आपको बताया था कि क्रॉनिक डिजीजेस को क्या कहा जा रहा है, डिजीजेस ऑफ एक्सेस, इसमें है ही इसराफ, और अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं इसराफ नहीं करना। अगर हम इसराफ ना करें अपनी लाइफ में किसी भी मामले में, चाहे वो वही बात है फिजिकल एक्टिविटी है, इसमें भी आप देखिए रिसर्च बताती है कि जो लोग एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं तो वो भी हेल्दी नहीं है। सारा दिन 6-6 घंटे जिम में बैठे हुए, अब आप देखें हमारे ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं जो मीडिया से रिलेटेड हैं, उनसे पूछो तो कहते हैं जी हम 5-6 घंटे जिम में, नमाज छोड़ दी आपने, जिम में आप इतनी देर बैठे रहे, वो भी आपका ठीक तो नहीं है, इसराफ नहीं ऐसा होना चाहिए। फिर आप देखें कि ये भी एक बहुत खूबसूरत हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि कवि मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है, और साथ ये भी बता दिया गया लेकिन दोनों में खैर है, अगर कोई कमजोर है तो उसमें भी खैर है, लेकिन कवि मोमिन बेहतर है, कवि मोमिन को पसंद किया गया। फिर आप देखें इसको हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज से रिलेट करते हैं, बी ईगर फॉर व्हाट बेनिफिट्स यू, सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह एंड डू नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, कि जो हमें फायदा देती है चीज हम उसको इख्तियार करने में जल्दी दिखाएं, फौरन फैसला करें। ये CBT है ना, कि सोचें उसके बारे में कि दिस इज फॉर माय ओन बेनिफिट, मुझे करना है। यानी मेरी भी फैमिली में जब मैंने इसी तरह बहुत सी चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया, और इवन क्लोज फ्रेंड्स में कुछ लोग जो थे वो बहुत मुझे खिलाने के शौकीन थे, जब वो बाज नहीं आ रहे थे खिलाने से, तो मैंने उनके सामने बैठ के यही बहुत प्यार से कहा कि क्या आप चाहते हैं कि मुझे चंद सालों में शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसी बातें आप कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर इसीलिए ये ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं ये सब कुछ ना खाऊं। यानी कभी कभी आपको लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए वो सारी चीज़ें भी बतानी पड़ती हैं। और फिर क्या है कि अल्लाह से मदद मांगनी है, हमें लगता है कि हमारे कोई जज्बात हमारे कंट्रोल में नहीं है लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उसमें भी अल्लाह से मदद मांगे ना कि अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे निकम्मा बनने से बचा लें, मैं जैसे मांगती हूँ कि मुझे एक्सरसाइज की तौफीक दे दें कि मैं एक्सरसाइज के मामले में पंक्चुअल हो जाऊँ। मैं हर वक्त अपने आप को ये मैसेज देती हूँ बस एक्सरसाइज नहीं होती, डाइट कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन करूँ मैं, और अपने आप को बार बार मैसेज किया कि वो जब मैं करूँगी मेरा नमाजों के लिए मेरा अपनी एक्टिविटीज़ के लिए स्टेमिना बढ़ेगा, मुझे बहुत से काम अभी करने हैं।
और फिर क्या है, एंड डू नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड. अब देखिए लाइफस्टाइल चेंज आपको फ्रस्ट्रेट करती है, टाइम कंज्यूमिंग है ना, टाइम लगता है, शॉर्टकट नहीं है ना, शॉर्टकट नहीं है इसमें. और फिर क्या है, इफ समथिंग बिफॉल्स यू देन डू नॉट से इफ ओनली आई हैड डन समथिंग एल्स. अब खा लिया तो आप गम मना मना के आप बेहाल हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए उस वक्त. जैसे रोजे में अगर आप गलती से खा लेते हैं तो उसमें क्या बताया गया, क्या कहा जाए, अल्लाह ताला ने खिला, अल्लाह ने मुझे खिला दिया. तो अब अगर आपने खा ही लिया है तो आप कहें कि ये रिस्क लिखा हुआ था, आ गया. अब आप उसके गम में जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको फीलिंग ऑफ फेलियर आएगी, फिर आप ज्यादा खाएंगे, फिर आप ज्यादा खाएंगे, फिर हम कहते हैं चलो फिर आज रज के खा, आज बेकरी से भी ले आओ, आज घर में वही बात है, ये भी बना लो, ये भी कर लो, और वही हम कैलोरीज अपनी बढ़ा देते हैं. रादर से अल्लाह हैज डिक्रीड व्हाट ही विल्स, वेरीली द फ्रेज इफ ओनली ओपन्स द वे फॉर द वर्क ऑफ शैतान. शैतान हमें यहाँ पे भी पकड़ता है, ये खुतुवात शैतान याद रखना, ये शैतान के फुटस्टेप्स हमें यहाँ पर भी. और आप देखें कि लाइफ स्टाइल पे तो मुझे लगता है कि शैतान का बहुत बड़ा अटैक है, कि जो बीमारियां हमारी आ रही हैं जिसकी वजह से हम बेकार होते जा रहे हैं. अब काम क्या करना है, आपने बिहेवियर्स में आपने क्या काम करना है, सबसे पहले अपनी रेडीनेस देखनी होती है कि मैं हाउ रेडी आई एम. और ये मैं चाहूंगी कि आप अपने पर काम करें, यानी इस पूरे मंथ में आपने एक तो देखना है कि फीलिंग ऑफ फेलियर आपको कहाँ कहाँ होती है, तो अपनी लिस्ट बनानी है आपने, अच्छा जी मुझे फीलिंग ऑफ फेलियर कहाँ कहाँ हुई, ऑब्जर्व करते रहना है. दूसरा काम आपका क्या है, डिनाइल्स मेरे कौन कौन से हैं. कुछ डिनाइल्स के बारे में आप सोचेंगे ना वो ऑटोमेटिकली टूटना शुरू हो जाएंगे जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे. और कुछ डिनाइल्स जो हैं आप उनके बारे में सोचेंगे, कुछ का सलूशन आपको नजर आएगा, कुछ का आप सर्च कर सकते हैं. इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने अपने थॉट प्रोसेस को देखते रहना है कि मेरी थॉट में हेल्दी कॉन्सेप्ट्स हैं कि नहीं है. अच्छा फिर अगला स्टेप क्या आ जाता है, अब आपने अपनी रेडीनेस देखनी है. रेडीनेस के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपका प्लान ही नहीं है किसी काम को करने का जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, आप कहते हैं सुन तो लूंगी पर मैंने चलना नहीं है, जल्दी सोना नहीं है, मैं तो रोज अंडा खाना नहीं छोड़ सकती, वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं तो वो जो रिश्तेदार है ना फलां, ये कह रही है जो सोशल कनेक्शन ठीक करो तो वो तो मुझे जहर लगते हैं, ये नहीं मैं कर सकती. डॉक्टर कंवल, स्लीपिंग का जो आप बात कर रही है ना, वो लगता है कि जब बच्चे जैसे छोटे होते हैं ना, उनको सुलाने के बाद वो एक्सक्लूसिव मी टाइम होता है, उसमें दिल चाहता है कि आप अपनी पसंद से कुछ देख भी ले आराम, तो सुबह को करें. बच्चे जब आपके स्कूल चले जाते हैं तो यू आर फ्री, अक्सर खवातीन तब भी सो जाती हैं, तो आप उस वक्त सुबह करें ना, सुबह की एक्टिविटी वो बनाएं. तो अगर आपका किसी काम का प्लान ही नहीं है अभी, इट्स नॉट इन द प्लान, तो फिर आप क्या करें. और अब आपको समझ आ रही है कि लाइफ स्टाइल चेंज के लिए ये काम करना बहुत जरूरी है, तो फिर आपको क्या करना होगा, इसका मतलब है आपको अवेयरनेस नहीं है उस काम के बारे में. मुझे ये लगता है कि हमने बहुत सारी चीजों को ना खुद अपने दिमाग में बहुत बड़ा हर्डल बना दिया. अगर मैं यही चीज सोचूं तो मुझे ये लगेगा कि अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करो कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर मैं ये चीज कर रही हूँ तो ये उनके बहुत छोटे हैं तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन उनको अगर ये पता है कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट में चीज होने वाली है तो आप उनकी प्रेजेंस में भी कर सकती है, ऐसी क्या बात है. लेकिन मैंने अपना हमेशा मी टाइम जो रखा है ना, मैं आपको बताऊं प्रेजेंस में बच्चे फिर भी बार बार माँ के पास आते हैं. टीन में आके तो आपको उनके पास जाके कनेक्ट होना पड़ता है. लेकिन जब वो छोटे हैं ना, जब वो छोटे हैं तो उसका तरीका ये होता है कि असल अच्छा मी टाइम आपको सुबह मिलता है जब वो स्कूल चले जाते हैं. मुझे भी बहुत टेम्पटेशन होती थी कि सो जाऊं बिस्तर को देखती थी, सो जाऊं, फिर मैं कहती थी फिर मेरे ये काम नहीं होंगे, फिर मैं कहती थी चलो ये काम कर लेती हूँ. तो उससे आपको फिर फायदा होता है. इसका मतलब क्या है, जब आपको पता है ये करना चाहिए और आपने नहीं आप कर रहे, दैट मीन यू हैव नो प्लान. कि क्यों है, इसलिए कि आपको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है. तो अब आपका टास्क क्या होना चाहिए, आप उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दें, डेली एक आर्टिकल पढ़े. अवेयरनेस किस चीज के बारे में, मसलन फर्ज करें कि जी मैं जैसे एक्सरसाइज नहीं करती, मुझे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही मुश्किल और बोरिंग काम लगता है, मुझे कभी इसके लिए टाइम नहीं निकलता नजर आता, और जब मैं प्लान बनाऊं तो मैं फिर पोस्टपोन कर देती हूँ. और मुझे लगता है, मेरा ख्याल है मैं ना अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेती हूँ, ये नहीं काम होता मुझसे. तो दैट मीन्स कि मुझे इसके हेल्थ से रिलेटेड जो रिस्क है वो नहीं पता. या मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे मैं वही बात है मीठे की शौकीन. अब मुझे वैसे तो पता है कि जी मीठा अच्छा नहीं होता, लेकिन जो मैं धड़ाधड़ खा रही हूँ और मेरा कोई प्लान नहीं है, वो हलवे और गुलाब जामुन मिठाइयाँ और सारे डिजर्ट्स छोड़ने का कोई प्लान नहीं है,
और मुझे ये पता चल गया है कि लाइफस्टाइल चेंज के लिए इसको कम करना बहुत जरूरी है। हमें से हर एक चैलेंज होगा ना किसी भी एरिया में, अगर आपको ये पता है कि ये लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है बट यू हैव नो प्लान, तो इसका मतलब है आपको उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन पढ़नी चाहिए। डेली आप एक आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दें। वो हम अगले स्टेप पे आएंगे ना। देखिए थोड़ा सा तो अगर आप खा लेते हैं, एक दाना की इजाजत, इससे एक थोड़ा थोड़ा कोई खाएगा ना, एक एक दो दो सबको देके सारे कर दें। और आप कल्चर चेंज करें, कल्चर चेंज करने में टाइम लगता है ना। किसी के घर भी जा रहे होते हैं तो हम केक्स लेके जा रहे होते हैं, हेल्दी ऑप्शन हमें भी। तो नेक्स्ट सिक्स मंथ्स अगर आपने सोचा हुआ है मसलन कि ये जब गर्मियां आएंगी ना, अब सर्दी है तो गर्मियों का मौसम शुरू होगा ना, तो मैंने बस वही बात है वॉक शुरू कर देनी है या मैंने मीठा छोड़ देना है। नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में अब आप प्रिपेयर हो गए, या तो ये कि आप शुरू से इस तरह प्लानिंग में, या ये है कि लेट्स से आपने ये काम किया और अब आप दूसरे स्टेज पे आ गए, या ये भी हो सकता है कि आपकी कुछ हैबिट्स में नो प्लानिंग है और कुछ एरियाज में आप ये सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट सिक्स मंथ्स में ये काम करूंगी। अब आपने इस पूरे वन मंथ में ये असेस करना है कि किस काम को मैं कहाँ, अपने लाइफस्टाइल चेंज को कहाँ कहाँ देख रही हूँ। इसमें हम अपनी रेडीनेस देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, मुझे लगता है उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, तो मैं इमीडिएटली उसको बैठ के नहीं कहूंगी आप ये खाना छोड़ दें, आप ये पीना छोड़ दें, आप ये करें। ये अब आज आप सीख रहे हैं तो आप ये अपनी फैमिलीज को भी इसी तरह देखेंगे। मसलन मैंने भी ये किया कि अगर मेरा एक फैमिली मेंबर ऑलरेडी इस चीज पे वर्क कर रहा है तो मैंने उसको एक और तरीके से गाइडलाइन दी, और जो वर्क नहीं कर रहा, जिसका प्लान ही नहीं है, अगर उनका प्लान ही नहीं है तो अब मैं जाके उनको कहूँ मैं आज ये पढ़ रही हूँ और मैं ठाक ठाक कप इधर फेंक रही हूँ और उधर कर रही हूँ, तो क्या होगा? विल इट बेनिफिट? या बच्चा, टीनेज बच्चा, वो करना ही नहीं चाहता। मेरी छोटी बेटी है, जब मैं इस तरह की बात उसके सामने करती हूँ ना, तो वो पता क्या कहती है, अम्मा गलीज ही अजीज है। माँ सारी दुनिया को लाइफस्टाइल चेंज पढ़ा रही है और बच्चा कहता है ये गलीज है, जंक है, बेकार है, तो ये तो जरूर खाना है और जरूर करना है। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, एक तो अपने पर्सनल उसके लिए, प्लस जब हम कोई वर्कशॉप या कोई सेशन अटेंड करते हैं हम बहुत पम्प्ड अप हो जाते हैं। अब हम ये ना हो कि हम जाकर सोचे समझे बगैर लोगों को फतवे दे रहे हों, ये ना खाओ, ये ना करो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। हम अपने पर वर्क करें और प्लस अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी देखें। अब अगर एक बार मेरा बच्चा मुझसे ये बात करते हुए कह रहा है, इवन हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ वॉक शुरू करूं, तो दैट मींस कि वो नेक्स्ट सिक्स मंथ्स वाले स्टेज पे पहुंच चुके हैं। विद इन सिक्स मंथ्स वो चाह रहे हैं कि कुछ एक्टिविटी करना, या आप खुद चाह रही हैं, आप कहती हैं कि बस वही बात है गर्मियों में ना, बस ये जरा सर्दियां निकल जाए ना, जरा मौसम अच्छा हो जाए, इसमें मुझे ठंड लग जाती है, या इसमें मेरे अभी ये काम रहते हैं, कुछ मेहमान आ रहे हैं, बस वो चले जाए ना, तो फिर आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मैं थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को मतलब बस हम प्रोलॉन्ग करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि मुझे अपने उसमें ये लग रहा होता है कि अगर मैं ये सोचूं ना कि मैं गर्मियों के स्टार्ट में शुरू कर दूंगी या अभी मौसम ऐसा है, मैं कभी नहीं कर सकती। मतलब मैं अगर अपनी, मैं अगर आपको बात बताऊं कि अगर मुझे अपनी, मैं देखूं ना कि मैं कल के ऊपर डालती जाऊं ना, हाँ अगर मैंने सोच लिया कि मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है, आई हैव टू स्टार्ट इट टुडे, मैं तब कर सकती हूँ। मैं अपनी आपको बता रही हूँ, मैं अगर कल का सोचती रहूंगी तो कल मैं अगले कल पे डाल दूंगी और अगले कल पे, और इसमें मैं सालों भी गुजार देती हूँ। जो काम हम नो प्लानिंग में रखते हैं ना, जो हम नहीं करना चाह रहे होते, उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। जो काम तो मैंने डिसाइड कर लिया कि बस मैंने आज से करना है, वो मैं कर लूंगी, लेकिन हम अपनी लाइफ में प्लानिंग पहले करते हैं। मैंने वो सीबीटी का आपको साइकिल बताया था ना, थॉट, फीलिंग और एक्शन। जो काम आप फॉरन कर रही हैं, वो दैट भी थॉट और फीलिंग में ऑलरेडी मौजूद था तो आपने कर लिया, लेकिन जब हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो उसमें हम जरूर असेस करते हैं कि अगर वो मेरी थॉट में ही नहीं है तो पहले मैं थॉट पे तो काम करूँ ना। इफ दैट इज वाई लॉट ऑफ पीपल फेल, बिकॉज वो जोश में आकर काम करते हैं, जब होश आता है तो उनसे मैनेज नहीं होता, वो कलैप्स करते हैं, हम छोड़ देते हैं। आपको अपनी सोच के मुताबिक चलना है। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई ऐसी चीज है जो हम बहुत अरसे से प्लान कर रहे हैं मगर हो नहीं पा रही,
तो पहले हम उससे रिलेटेड ये देखें कि हमारी थॉट्स क्या हैं और हम उन पॉजिटिव फीलिंग्स लेकर आए, उसके बारे में अवेयरनेस लाएं। पॉजिटिव फीलिंग तो हर वक्त चाहिए होती है, लेकिन बेसिकली ये कि जब आपको लगता है कि ये काम करना जरूरी है बट इट इज नॉट इन माई प्लान, पहला काम ये होता है उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन लेते रहना चाहिए, थ्योरी पूरी करें। आपको लगता है कि आप आपने ये सोचना शुरू किया किसी भी काम के बारे में कि ये मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स में एग्जीक्यूट करना है, मैं बस करना चाहती हूँ अपना, मैं रेडी हो रही हूँ, इसका मतलब ये है कि अब आपको ज्यादा पर्सनलाइज प्लान चाहिए। अब आप उसको अपने साथ रिलेट करते हैं, अब आप उसको उस तरह देखते हैं कि इसकी वजह से कितने रिस्क फैक्टर्स हैं, इसको करने का फायदा और इसको ना करने का नुकसान जो है वो, अगर मैंने नहीं किया तो अब नुकसान मुझे क्या क्या होगा। आपका लेट्स से ब्लड प्रेशर ज्यादा आ गया और आप कहते हैं खैर है मैं दवाई खा लूंगी, अब मैंने कुछ नहीं और करना, तो अब आपको हाइपरटेंशन के बारे में जनरल आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, ब्लड प्रेशर से क्या क्या मसाइल होते हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं, कैसे वो प्रोग्रेस करता है। या इससे भी हम पीछे चले जाएं, वेट बढ़ा हुआ है और अब आप ये कहते हैं कि अब इस उम्र में तो आके वेट बढ़ ही जाता है थोड़ा बहुत, तो क्या फर्क पड़ता है, आपका कोई प्लान नहीं है कि जी मैंने अपने वेट के ऊपर काम करना है। आपको क्या करना चाहिए, अब आपने ये सेशन अटेंड किया या जनरली भी आपको पता है कि जितने एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बार बार बताते हैं कि जी वेट कम करें, वेट कम करें, आपका वेट ज्यादा है, तो अब आपको जनरल आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए पहले स्टेज पे, क्योंकि अगर आपने बहुत स्पेसिफिक अपने लिए पढ़ना शुरू कर दिया तो आप गिल्ट में जाएंगे, फीलिंग ऑफ फेलियर आएगी, डिनाइल्स बढ़ेंगे। तो जनरल पढ़ते रहें कि जी जब वेट बढ़ता है तो क्या क्या मसाइल आते हैं, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो अब आपको फीलिंग आएगी कि नहीं आई नीड टू डू समथिंग बेटर, आपका माइंडसेट आ जाएगा कि अच्छा भी काम करना शुरू करूँ। आपको खुद अपनी ना कुछ अरसे में, कुछ लोगों को 2 हफ्ते लग सकते हैं, कुछ को 2 महीने लग सकते हैं, कुछ को 6 महीने भी लग सकते हैं, कुछ लोग साल भी लगा देते हैं, हर एक अपना पाथ है, लेकिन आप उस थॉट प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मुझे अपने आप को चेंज करना है। पहले मैं भी ये करती थी, डाइट कर लूँ, वैसे मैंने कोई वो फॉर्मल डाइट्स कभी नहीं की, लेकिन फिर मैंने अपने आप को बताना शुरू किया कि दिस इज नॉट वर्किंग, और मुझे जब ये पता चला कि लाइफस्टाइल चेंज भी होती है तो मैंने अपने आप को बताया, जब भी किसी ने मुझे कहा ओ आप ये नहीं खा रही डाइटिंग, मैं कहती थी नहीं लाइफस्टाइल चेंज, हालांकि मैं कर कुछ खास नहीं रही थी लेकिन मैं कहना शुरू हो गई थी लाइफस्टाइल चेंज, और वो उसकी वजह से मुझे फायदा हो रहा था। मगर आप मेंटल प्रिपरेशन के बहाने एक प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप में चले गए, फिर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, देन यू टेक हेल्प। मैंने कुछ अरसा पहले एक थोड़ा अपना वेट कम किया था फास्टिंग के थ्रू, इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, उसके बाद मैंने जो चीज मैंने बहुत पढ़ी स्टडीज के किस तरीके से इसको मेंटेन करना चाहिए, तो उस पर मैंने ये देखा है अगर आप 6 or 7 o'clock के बाद कुछ नहीं खाते, सिर्फ लाइट सी कुछ, आपका वेट बिल्कुल इंक्रीज नहीं होता, वो आप ब्रेक कर जाते हैं, उसको हम कहते हैं ना कि वेट दोबारा, और मेरा वहां पे रुक गया, उसके बाद मैं खाती हूँ पूरा दिन खाती हूँ, लेकिन मैं 7 बजे कोशिश करती हूँ उसके बाद कुछ ना खाऊं, और मेरा वेट वहीं पे रुका हुआ है, पहले मेरा वेट बढ़ जाता था उसके साथ। आपको पहले अपने माइंडसेट पे काम करना होता है, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर आपका प्लान होता है तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उसको पर्सनलाइज करते हैं कि अच्छा जी मेरे घर में मोटापे के साथ जो अफराद हैं उनके क्या क्या मसले हैं, जीन्स में क्या क्या आ रहा है, तो अगर मैं वही बात है मोटापे के साथ रही या ब्लड प्रेशर के साथ रही तो मेरे तो जिंदगी खराब हो जाएगी और इससे मुझे ये हर्डल्स आगे आ सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो हम वो अपने आप से डिनाइल की वजह से छुपते रहते हैं ना, कुछ नहीं होगा, होगा तो देखा जाएगा। इनके फादर डायबिटिक थे और उनकी दोनों टांगे जो थी एम्पुटेशन उनकी हुई थी, और मैं कल ही पढ़ी थी कि अगर एक डायबिटिक है ना कोई इंसान, किसी को शुगर है डायबिटीज है और उसकी एम्पुटेशन होती है, तो ये बहुत एक जैसे ऐसी बात ये होना नहीं चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो नेचुरल है जी होगा, नहीं, अगर वो लाइफस्टाइल चेंज, और वो कहती है कि वो वैसे सब कुछ करते थे लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते थे, और इनको जब हुई तो उन्होंने बहुत सारे उन फैक्टर्स को अपनी जिंदगी में वो लेकर आए क्योंकि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था कि कैसे कैसे मसले हैं, लेकिन इनको भी डॉक्टर ने यही कहा कि ये शुगर रहेगी, मतलब ये खत्म नहीं हो सकती, तो मैं इनको ये कही थी कि अगर आप मैनेज करें तो ये हो सकती है,